फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज क्लास में करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। फोर्थ चैप्टर का मोशन इन अ प्लेन। अब इसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर दोनों कंप्लीट करने वाले हैं, सिर्फ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इन सारे कॉन्सेप्ट का वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसको पहले से देख लेना। कौन कौन क्या क्या है टॉपिक देख लीजिए। स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें एक वेक्टर को स्प्लिट करके दो वेक्टर बनाते हैं, और वेक्टर एडिशन, ये सब सीख लेना है। फिर मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल का पार्ट है, फिर वही चीज है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए आप लोग, तो आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना जरूरी है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का यही तरीका है, सही तरीका, कि पहले उस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उनको एकदम क्लियर कर लीजिए। जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, बुक्स हैं, वीडियो लेक्चर है, जो भी आप कर सकते हैं, जितने भी बुक्स को देखना है आप उतने बुक का हेल्प लीजिए। कोई एक बुक जरूरी नहीं है कि इसी बुक को पढ़ना चाहिए। आपको जिस बुक से भी आपको समझ में आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो टॉपिक दिया हुआ है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करना चाहिए। तो पहले इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर, तब एक्सरसाइज पे आए। तो स्टेप वन क्या हो गया, क्लियरिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज। देन यू शुड ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ दैट चैप्टर, राइट। ये सेकेंड स्टेप है, उस चैप्टर का आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लें एनसीईआरटी का। थर्ड स्टेप है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा लें प्रीवियस ईयर को। बस ये तीन स्टेप फॉलो करके आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, आप वहाँ सक्सेसफुल रहेंगे उस एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्केलर और अ वेक्टर। इसमें से कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। तो मैं यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको सर्कल करने वाला हूँ। तो वॉल्यूम तो स्केलर है, मास भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, ये एक वेक्टर मिला। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी हो गया, एक्सेलरेशन स्केलर। फिर एक मिनट, एक्सेलरेशन तो वेक्टर हुआ। और फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम फर्स्ट, इफ इट इज स्केलर और वेक्टर। तो फर्स्ट में है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो स्केलर है, मास भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, ये एक वेक्टर मिला। एक्सेलरेशन, डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल्स भी स्केलर है, फिर से एक यहाँ देखिए वेक्टर मिल गया। वेलोसिटी, फिर एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ओमेगा। तो कितने वेक्टर क्वांटिटी इसमें है, 1, 2, 3, 4, 4 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और बाकी के सब जो भी बचे बच गए वो सब स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 4.2 पे। पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, वेक्टर क्वांटिटी को देखा था, कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटी। इस बार स्केलर क्वांटिटी देखना है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, और वो भी दो ही बताना है हमें। तो इसमें क्या क्या लिस्ट में है, फोर्स, फोर्स तो वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है, फिर वर्क स्केलर है, एक देखिए मिल गया वर्क, फिर करेंट भी स्केलर है, करेंट में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, तो ये दोनों स्केलर हो गए। फिर आगे अगर देखें, लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं, वो भी एक वेक्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है।
सिर्फ ये दोनों ही इसमें स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एंड वर्क। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन सेकंड में था ओनली स्केलर क्वांटिटी, इस बार ओनली वेक्टर हमें देखना है कौन सा वेक्टर है। तो वेक्टर अगर देखें, टेम्परेचर तो वेक्टर नहीं है, प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है। तो देखिए फोर्स बाय एरिया को बोलते हैं प्रेशर, तो प्रेशर कौन सा क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन मैनी डायरेक्शन हो जाता है, एक ही डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि एक मेरे पास एक वाटर बॉटल ऐसे है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर इधर से आप एक होल करेंगे तो इधर से भी पानी निकलने लगेगा, इधर से करेंगे इधर से भी निकलेगा, सामने से भी निकलने लगेगा। यानी कि यहाँ का जो वाटर है वो ऑल डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट का वाटर ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसलिए प्रेशर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मुझे ओनली वेक्टर क्वांटिटी ढूंढना है। पहला भी वेक्टर नहीं हुआ, टेम्परेचर प्रेशर भी नहीं हुआ। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है इम्पल्स। तो चेंज इन मोमेंटम तो एक वेक्टर है राइट, इम्पल्स ये वेक्टर में आ जाएगा इम्पल्स। फिर टाइम तो स्केलर हो गया, पावर भी स्केलर हो गया क्योंकि वर्क अपॉन टाइम, वर्क खुद स्केलर है। पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं, एनर्जी भी स्केलर है, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से आएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये फॉर्मूला है। तो इसमें एफ एक वेक्टर है और एन भी एक वेक्टर है, लेकिन म्यू क्या है, म्यू का कोई वेक्टर से लेना देना नहीं है, म्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर है। तो सिर्फ वेक्टर इसमें कौन सा आ रहा है, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम एक वेक्टर है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी में मास तो स्केलर है कॉमन ले लेंगे, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आएगा, तो इम्पल्स एक क्या हो जाएगा इसमें वेक्टर। तो ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन दिस क्वेश्चन इज इम्पल्स। तो ये हम लोग थ्री क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन विथ स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। कौन कौन सा हम लोग वेक्टर के साथ कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन सा अलजेब्रिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पहला है एडिशन ऑफ टू स्केलर। तो ये पूछ रहा है कि वेदर द अलजेब्रिक ऑपरेशन विथ स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। स्केलर और वेक्टर दोनों के साथ पूछ रहा है। एडिशन ऑफ एनी टू स्केलर, ये तो सही है ही, कोई भी स्केलर क्वांटिटी को आप ऐड, जैसे मास को ऐड कर सकते हैं, 2 kg + 3 kg, 5 kg, बिल्कुल सही कर सकते हैं। एडिशन ऑफ अ स्केलर टू वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा है कि नहीं। तो ये सेकेंड रॉन्ग हो गया, ये नहीं अलाउड है, स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऐड कैसे करेंगे, एक 2 मीटर है और एक 2 मीटर आई कैप है, तो ये एक्स एक्सिस में है और इसका डायरेक्शन पता ही नहीं है किधर है, तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं होगा ऐसा। सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी वेक्टर बाय स्केलर, ये अलाउड है। जैसे एक वेक्टर है 2 i कैप मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, और इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, तो वो 10 i कैप हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो 10 टाइम्स होगा, 10 मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा और डायरेक्शन उसका पहले जैसा ही रहेगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर इज अलाउड। तो ये सी करेक्ट हो गया, फिर डी मैंने ट्रू हो गया, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स और ये थर्ड यानी सी ट्रू है। डी देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू स्केलर, बिल्कुल स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, दो स्केलर को एग्जाम्पल ले लीजिए, दो स्केलर कहाँ मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कभी भी। जैसे स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग और मिल जाता है डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो स्केलर को। तो डी भी ट्रू हो गया। ई एडिंग एनी टू वेक्टर्स, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं दो वेक्टर को, एडिशन ऑफ टू वेक्टर में हमने सीखा है ये। फिर एफ पार्ट, ट्रू है कि फॉल्स, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर
वह सेम वेक्टर। तो देखिए एक वेक्टर का कंपोनेंट को उसमें ऐड कर सकते हैं, क्या देखते हैं, एक वेक्टर मान लेते हैं ये 2i कैप प्लस 3j कैप एक वेक्टर है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 2i कैप होगा, और ये टोटल वेक्टर ए है मान लेते हैं, और इस वेक्टर को मैं मान रहा हूँ कि ओनली ये एक्स कंपोनेंट है उस वेक्टर का, तो वो एक्स लिख देते हैं, एक्स वेक्टर। तो क्या ए वेक्टर में एक्स वेक्टर ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट भी तो एक वेक्टर है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है 2 और उसका डायरेक्शन फिक्स है आई कैप। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर, सो इट इज अलाउड टू ऐड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू अ गिवेन वेक्टर, सो ई पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 4.5। रीड इच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने पे क्या हुआ, स्केलर मिलेगा, ये ट्रू है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगा, क्योंकि तो उससे डायरेक्शन चला जाएगा, ओनली उसका अमाउंट बताएगा कि अमाउंट कितना है, उसका क्वांटिटी कितना है वो बताएगा। तो सिर्फ क्वांटिटी है, उससे डायरेक्शन आप हटा दिए हैं तो बिल्कुल वो एक स्केलर बन जाएगा, तो फर्स्ट हो गया ट्रू। बी पार्ट है, इच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर, ये फॉल्स है। कंपोनेंट खुद एक वेक्टर होता है वेक्टर का, क्योंकि उसका भी तो डायरेक्शन होता है, कंपोनेंट मतलब रिजोल्यूशन करने से मिलेगा। तो अगर ये ए वेक्टर है तो इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो इधर ए कॉस थीटा होगा, तो क्या इसका भी एक फिक्स डायरेक्शन होता है, इधर आई कैप अगर है तो, और इधर रिजोल्यूशन करेंगे तो ए साइन थीटा आता है ना जे कैप, तो इसका भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रहा है, कंपोनेंट का भी डायरेक्शन है, तो कंपोनेंट का यहाँ भी यहाँ पे डायरेक्शन कुछ आ रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट ऑलवेज स्केलर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एक वेक्टर ही होता है, तो ये हो गया फॉल्स। जो ट्रू है उसको मैं राइट टिक कर रहा हूँ, और यहाँ जो फॉल्स है उसको क्रॉस कर रहा हूँ। सी पार्ट, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ तो डिस्टेंस देता है ना, टोटल पाथ लेंथ क्या देता है भाई, डिस्टेंस, लेकिन ये तो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के इक्वल होगा, तो ये भी फॉल्स है। फिर द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, राइट, इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी से एवरेज स्पीड ग्रेटर होता है, ये सही बोल रहा है। इक्वल भी हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो इक्वल भी हो सकता है, तो ये सही बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर सेम टाइम इंटरवल, सो दिस डी स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि एवरेज स्पीड में होता है डिस्टेंस बाई टाइम और एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्टेंस तो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, यानी स्पीड भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक, ई पार्ट अगर देखें हम लोग, तो थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन सेम प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। थ्री वेक्टर जो एक प्लेन में नहीं है, तो एक 3D में यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक प्लेन में नहीं होने चाहिए, तीन वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होना चाहिए, तो दो वेक्टर को मैं एक प्लेन में बनाऊंगा और एक को अलग अलग प्लेन में बनाऊंगा, और देखता हूँ कि उसका रिजल्टेंट जीरो होने का चांस है कि नहीं है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे 3D में दो वेक्टर मैं बना रहा हूँ एरो से, तो ये एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया और एक दूसरे कलर से मैं बना दे रहा हूँ ये, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा तो वो बेस में ही होगा, ये अगर इस रूम का बेस है, इसको मैं एक्सिस यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये ओरिजिन अगर लिया मैंने, इसको एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस और ऊपर ये जेड एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर है। अब तीनों वेक्टर के बारे में क्या ये लिख रहा है कि थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन, एक प्लेन में नहीं है ये तीनों, तो तीसरे वेक्टर को हम अलग प्लेन में देखिए बनाने वाले हैं, इस प्लेन में मैं बना दे रहा हूँ थर्ड वेक्टर,
ये वाले प्लेन में मैं बना दिया, थर्ड इधर आ गया, इधर ही बना दिया थर्ड वेक्टर ऐसे। अब जब ये दोनों वेक्टर को मैं ऐड करूंगा ना फर्स्ट प्लेन में जो दोनों वेक्टर हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट उसी प्लेन में रह जाएगा। इन दोनों को मैं जब ऐड करूंगा, ये समथिंग आई कैप जे कैप में होगा, तो आई कैप जे कैप वाले दो वेक्टर को समथिंग आई कैप प्लस जे कैप, ये पहला वेक्टर रह गया। दूसरा वेक्टर भी आई जे में रहेगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसको ऐड करेंगे तो इसमें खाली आई जे रहेगा, ये रहेगा ही नहीं। जबकि ये थर्ड वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें के कैप भी लिखना पड़ेगा, तो थर्ड वेक्टर को आपको लिखना पड़ेगा मान लीजिए 2j कैप प्लस 3k कैप, 2j कैप प्लस 3k कैप। अब ये और ये दोनों का सम कभी जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि जीरो आने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो जे और आई का सब्ट्रैक्शन के साथ होगा ही नहीं, के के साथ सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर तीन वेक्टर अलग अलग प्लेन में हैं, तीन वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हैं, तो उनका सम जीरो होने का कोई चांस नहीं है, उनका सम जीरो नहीं हो सकता है। तो ये ई पार्ट में बोल रहा है थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है, तो कैन नेवर एड अप टू गिव नल वेक्टर। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, कभी भी वो ऐड होकर जीरो नहीं बन पाएंगे। तो ये भी बोल रहा है कैन नेवर एड अप टू जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, यानी ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है इसका। तो ई पार्ट क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ई क्वेश्चन का जो सब पार्ट था ये हो गया ट्रू, यानी कि तीन वेक्टर का सम जीरो जो डिफरेंट प्लेन में है उनका सम जीरो नहीं हो सकता, ये ट्रू स्टेटमेंट है। 4.6 क्वेश्चन में है, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इन इक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज, मतलब ये सब ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है आपको ये सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ये ए प्लस बी का मॉड होना चाहिए लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा होना चाहिए। मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होना चाहिए, जियोमेट्रिकली प्रूव करना है ये। तो हम लोग इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं और ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम से आइए करते हैं, ए और बी को दो एडजेसेंट वेक्टर ले लेंगे ऐसे, कंसिडरिंग ए एंड बी एज टू एडजेसेंट वेक्टर। तो ये एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर मैंने बना लिया है, अब इसको मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ले रहा हूँ, इधर आगे दो वेक्टर और बनाकर ये ऐसे पैरेललोग्राम हो गया यहाँ से, और ये क्लोजिंग साइट हो गया ऐसे। अब इसमें नेमिंग नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, ए वेक्टर ये मैंने लिया है और ये बी वेक्टर, तो इसके सामने का साइड पैरेलल है ये भी बी होगा, और ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा ए, है कि नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, पैरेललोग्राम है इसलिए सामने के साइड का और डायरेक्शन भी सेम, तो वो भी ए ही होगा। अब ए प्लस बी वेक्टर कौन सा होगा इसमें, ए प्लस बी तो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल होगा ए प्लस बी, ए और बी से जो स्टार्ट होगा, ये पैरेललोग्राम लॉ है कि टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इंडिकेट टू वेक्टर्स देन इट्स डायगोनल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है। तो इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब नेमिंग कर लें अगर हम ओ ए बी और सी, ऐसे हो गया, तो मुझे यहाँ पे देखना है ए प्लस बी का मॉड, तो ए प्लस बी का मॉड हो रहा है मेरा ओ बी हो रहा है ओ, तो ट्रायंगल में ए प्लस बी का मॉड क्या हो गया, ए प्लस बी का मॉड यही हो गया ए बी हो गया, राइट। तो कोई भी थर्ड साइड ट्रायंगल का जो कोई भी एक साइड होता है वो दो साइड के सम से छोटा ही होता है, तो ओ बी को क्या मैं लिख सकता हूँ लेस देन ए प्लस बी, ए मतलब कि ओ ए वेक्टर, वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए प्लस ओ बी, यानी ये ऐसे मॉड भी यहाँ लिख सकते हैं ऐसे मॉड, मॉड ओ बी वेक्टर का मॉड। तो ओ बी वेक्टर का मॉड क्या है, ओ बी एक लेंथ है, यहाँ पे ये अगर ट्रायंगल हम देखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो ओ बी इज लेस देन, डेफिनेटली इट विल बी लेस देन बिकॉज एनी साइड ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन सम ऑफ टू साइड, सो वी कैन राइट हियर ए प्लस बी इसका जो मॉड है यानी रिजल्टेंट वो तो यहाँ लेस है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के,
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं कॉस। कॉस क्या लिखेंगे कि एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड्स, तो ये इससे लेस होगा। और इक्वालिटी के लिए क्या करेंगे कि अगर ये कोलिनियर वेक्टर हो जाता, मतलब ओ ए और बी ये तीनों एक ही लाइन में होते, तो उस कंडीशन में ओ बी क्या हो जाता, ओ ए प्लस ए बी हो जाता, तब इक्वालिटी होल्ड कर जाता, ओ बी वेक्टर हो जाता ओ ए वेक्टर, ओ ए प्लस ए बी ऐसा हो जाता। साइड भी ओ से लेकर और बी तक, इतना साइड है, इतना लॉन्ग है, यहाँ से देखिए ओ से लेकर और बी तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाता, ओ ए हो जाता और प्लस ओ बी प्लस ए बी। तो इक्वालिटी होल्ड करेगा जब कोलिनियर हो जाए ये तीनों वेक्टर, ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और ओ बी वेक्टर, तीनों अगर कोलिनियर हो जाए तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो फिर लिखेंगे नेक्स्ट में कि फॉर कोलिनियर वेक्टर्स वी कैन ऑल्सो राइट ए प्लस बी वेक्टर का मॉड, मॉड इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, अलग अलग इंडिविजुअल का मॉड, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे तब शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी ए प्लस बी वेक्टर का मॉड मिल जाएगा। तो दोनों को कंबाइन जब मैं करूंगा, इसको इक्वेशन वन मान लेंगे वन और कोलिनियर वाले को टू मानेंगे, तो दोनों को कंबाइन करने से क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कि ए प्लस बी वेक्टर का मॉड होगा लेस देन और इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लेस आया है लेस, और यहाँ पे कोलिनियर होने पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड। ये बहुत ही सिंपल है, ये उसी तरह का कि एक साइड किसी भी ट्राइंगल का एक साइड उसके बाकी के दोनों साइड के ऐड करने से छोटा आता है, छोटा है, कोई भी एक साइड छोटा आएगा दो साइड के सम से। इक्वालिटी कब आएगा, जब वो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, उस समय ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इस तरह से आप जियोमेट्रिकल मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में हम लोग को प्रूव करना है ए प्लस बी। देखिए यहाँ जो हाईलाइट करके लिखा है पूरा डार्क कलर से लिखा है, उसको आपको वेक्टर समझना होता है ना, एनसीईआरटी में ऐसे एरो नहीं लगाता है ऊपर, तो आपको ये समझना है कि ये वेक्टर, अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो ए लिखेगा और इसको थोड़ा इस ये लेटर जैसा लिखा हुआ है लाइट कलर इस टाइप का लिखेगा, ज्यादा डार्क लिखा हुआ है एकदम करके हाईलाइट करके लिखा हुआ है तो समझिएगा वो वेक्टर है। तो ये ए के ऊपर वेक्टर लगाया हुआ है, ये ऐसे ऐसे, ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब बी पार्ट है ए प्लस बी का मॉड, वेक्टर ए प्लस बी का मॉड वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी, और ये उसका भी मॉड लेने का क्या मतलब है कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है आपको, निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। मॉड ए प्लस मॉड ए माइनस मॉड बी तो आपको करना ही है, अब उसमें भी अगर निगेटिव आने लगे तो उसका भी मॉड ले लेना है, मतलब उसका सिर्फ अमाउंट लिखना है कितना है, निगेटिव साइन के साथ नहीं लिखना है। तो उससे ग्रेटर आएगा, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से ग्रेटर आएगा ये ए प्लस बी। तो अभी हमने ये देखा था पैरेललोग्राम बनाकर, पैरेललोग्राम में क्या हमने देखा था, अभी देखिए ऐसे पैरेललोग्राम बनाए थे, इसमें साइड पैरेललोग्राम का ये ए था ए और ये बी, ये भी ए साइड ये बी, ए बी साइड हो गया। तो इसमें ए प्लस बी क्या होगा, ये डायगोनल होगा जो ए और बी से पास करेगा ऐसे, इसी को हम लोग बोले थे ए प्लस बी वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर का, ये बी है बी, ये वाला ए है ये। तो ए प्लस बी ये डायगोनल हो गया था। तो अगर हम ट्रायंगल को ये देखें ओ ए और बी, ओ ए बी ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ओ ए और बी में, तो ओ ए और बी ट्रायंगल में ये तो एक साइड है ट्रायंगल का, एक साइड है, अब ये दोनों क्या है, दो साइड का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ का सब्ट्रैक्शन है। तो अगर लेंथ वाइज हम लोग देखें तो ओ ए, सिर्फ लेंथ में लिख रहा हूँ इसका, ओ ए माइनस ए बी ये क्या है, लेंथ का डिफरेंस है, दो साइड के लेंथ का डिफरेंस है। तो लेंथ के डिफरेंस से किसी भी ट्रायंगल में
दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड ग्रेटर होता है, ये ओपी क्या है उसका थर्ड साइड। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, होता है कि नहीं प्रॉपर्टी ऐसे, लेंथ ऑफ एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज, किसी भी ट्राइंगल में ये ट्रू होगा, ऑलवेज किसी भी एक साइड का लेंथ दो बाकी के दोनों रिमेनिंग साइड के सब्ट्रैक्शन से या डिफरेंस से ग्रेटर होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। इस प्रॉपर्टी को लिख दिया मैंने यहाँ। अब इक्वालिटी होल्ड कराने के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, इफ दिस वेक्टर्स आर नॉट फॉर्मिंग एनी ट्राइंगल, मीन्स इफ दे आर लीनियर कोलीनियर, अगर ये हो जाए ए और बी वेक्टर तो क्या होगा, अगर ये ए वेक्टर है और उसके सामने ही अगर बी वेक्टर हो गया, तो अब इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, तो वो इक्वालिटी भी होल्ड कर सकता है। ये क्या है, कोलिनियर एंटी पैरेलल होना चाहिए, कोलिनियर प्लस क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल। तो एक ऐसा वेक्टर है, तो दो वेक्टर अगर ए और बी वेक्टर क्या हो जाए, एक दूसरे के कोलिनियर हो जाए, तो इस केस में ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा क्या ए प्लस बी के। अब ये इक्वालिटी कब होल्ड कर रहा है स्टूडेंट्स, देखिए इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, ये जब एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा उसके एंटी पैरेलल ऐसा हो गया उल्टे डायरेक्शन में, तो इंडिविजुअल वेक्टर का मॉड का सब्ट्रैक्शन करेंगे, मॉड का सब्ट्रैक्शन, तो मॉड मतलब इसका लेंथ और मॉड इसका लेंथ, तो दोनों का मॉड माने दोनों का लेंथ, तो लेंथ से लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वल लेंथ का है तो जीरो आ जाएगा ये, और इन दोनों का सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे और तब मॉड निकालेंगे। ए प्लस बी का मतलब क्या है कि वेक्टर सम करके मॉड निकालना, तो दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए, और उसका जीरो का मॉड जीरो ही होता है। तो इक्वालिटी कब ये होल्ड कर रहा है, जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो रहे हैं, और ग्रेटर तो ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से कर ही रहा है कि एक साइड बाकी के दोनों साइड के सब्ट्रैक्शन से ग्रेटर होता है। तो इस तरह से बी पार्ट भी आप आराम से ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर सकते हैं, राइट। सी पार्ट सी इस क्वेश्चन का है, ए माइनस बी का मॉड, ए माइनस बी का मॉड, फिर से पैरेललोग्राम में बना लेते हैं, पैरेललोग्राम ये पैरेललोग्राम हो गया, फिर ये इसका ये वाला साइड क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और ये दूसरा वाला साइड ये पता है क्या होता है, ये ए माइनस बी है। अगर आपको पता नहीं है तो आप, मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए ये साइड, इस साइड को लिखते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है, और ये वाला होता है ए प्लस बी वेक्टर, ये वाला टाइप होना। तो अगर मैं ओ ए इसको लिखूं, इसको बी, ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा, और इसको कोई सी पॉइंट लिख देते हैं, तो ए प्लस बी ट्राइंगल लॉ से या पैरेलोग्राम से ये वाला साइड हो, ओसी साइड हो गया ए प्लस बी। बी ए साइड क्या होगा, ए माइनस बी आता है, बी ए साइड कैसे आता है, ए माइनस बी, तो ये इस साइड को देखिए ये ए है, और इसके उल्टे वाले साइड को लेंगे, ऊपर की तरफ ये जा रहा था तो बी था, तो नीचे की तरफ जब आएगा तो माइनस बी होगा, तो इस वेक्टर में ये नीचे वाला करके ऐसे ऐड करेंगे तब तो मिलेगा बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर है ए माइनस बी वेक्टर। तो ये बोल रहा है ए माइनस बी लेस देन ए मॉड और बी मॉड, देखते हैं क्या है। तो ए माइनस बी ट्रायंगल अगर आप देखें ध्यान से, ए बी सी ट्रायंगल देखते हैं, इसके लिए कौन सा ट्रायंगल देखना है, ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल में ए माइनस बी तो एक साइड हो गया ए बी साइड, कोई भी एक साइड क्या दो साइड के सम से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। तो ए क्या है, मॉड ए मतलब एक साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि तो बी सी साइड है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बी सी साइड है ये, और बी का मॉड मतलब सी ए साइड है ये, सी ए, तो ये दो साइड का सम हो गया, ट्राइंगल के दो साइड का सम है ये। अब ये एक ही साइड ट्राइंगल का है, ए माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर कौन सा है, बी ए वेक्टर आएगा वो, तो बी ए क्या है, क्या थर्ड साइड है ए बी सी ट्रायंगल का,
तो ट्रायंगल का कोई भी एक साइड बाकी के दोनों साइड के सम से छोटा ही होता है, इसीलिए यहाँ पे ये लेस लिखा है। अब इक्वालिटी होल्ड कब करेगा, जब ये सब स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन में कोलिनियर वेक्टर होगा तो उस समय इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा, तो सी पार्ट भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं। डी पार्ट अगर देखें हम लोग, तो फिर से वही है, देखिए सब्ट्रैक्शन यहाँ पे है, खाली ट्रायंगल चेंज करना है। यहाँ ए बी सी, पिछले बार कौन सा ट्रायंगल लिए थे, ओ ए बी ट्रायंगल में किए थे हम लोगों ने, ओ ए बी ट्रायंगल में हम लोगों ने किया था पिछले बार। इस बार कौन सा ट्रायंगल लिया गया है, इधर से लिया गया है, ए बी सी ट्रायंगल लिया गया है। तो ए माइनस बी फिर से वो बी ए साइड हो गया, तो किसी भी एक साइड बी ए साइड, कोई भी एक साइड क्या ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है बाकी के दोनों साइड के डिफरेंस से, सम से लेस होता है लेकिन डिफरेंस से ग्रेटर होता है। तो ये दोनों तो एक एक साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्राइंगल के, तो दो साइड के सब्ट्रैक्शन से थर्ड साइड डेफिनेटली ग्रेटर आएगा। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड करने के लिए वही कोलिनियर वाला सिचुएशन होना पड़ेगा, दोनों वेक्टर को कोलिनियर होना पड़ेगा। यस, तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा आइए देख लेते हैं। तो अगर आप दो वेक्टर ए और बी वेक्टर को इक्वल मैग्नीट्यूड का ले लें, ये जितने मैग्नीट्यूड का है ये उतने ही मैग्नीट्यूड का है, इक्वल मैग्नीट्यूड अगर हम लोग ले लें और कोलिनियर लें, तो ए और बी को इंडिविजुअल का मॉड करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि मैं टू आई कैप लिया है मैंने, तो इसको मैं लिखूंगा, इसका मॉड होगा टू और इसका भी मॉड होगा टू, तो टू माइनस टू जीरो आ जाएगा, दोनों के मॉड का सब्ट्रैक्शन करना है तो राइट हैंड साइड में जीरो आ रहा है, और दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करके मॉड निकालना है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी करेंगे टू आई कैप माइनस टू आई कैप, तो वो नल वेक्टर मिल जाएगा, जीरो वेक्टर मिल जाएगा यहाँ, और इसका भी मॉड क्या होगा, जीरो ही होगा। यानी कि जब दो वेक्टर कोलिनियर हो रहे हैं, कोलिनियर, तो उस केस में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इंडिविजुअल वेक्टर के मॉड का सब्ट्रैक्शन दोनों के वेक्टर सब्ट्रैक्शन के मॉड के इक्वल आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग दोनों इक्वल वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, अनइक्वल लेंगे तो भी काम करेगा, यानी ये ए वेक्टर को आप अगर ले लीजिए, ए वेक्टर को ले लेते हैं थ्री आई कैप और बी को लेना है टू आई कैप, मतलब ध्यान ये रखना है कि दोनों को लिनियर होना चाहिए, एक ही लाइन की तरफ होना चाहिए, तब ऐसा होगा इक्वालिटी होल्ड कराने के लिए। तो इन दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करके मॉड निकालना, मतलब थ्री आई कैप में से टू आई कैप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा आई कैप, तो आई कैप का मॉड निकालेंगे तो वन आएगा। और राइट साइड में क्या करने के लिए बोल रहा है कि पहले मॉड निकाल कर तब सब्ट्रैक्ट करिए, तो थ्री आई कैप का मॉड थ्री हो गया और बी मतलब टू आई कैप का मॉड टू हो गया, तो पहले मॉड निकाल कर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी वन आ रहा है, और पहले वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं फिर मॉड निकाल रहे हैं तब भी वन आ रहा है। यानी कि कोलिनियर वेक्टर होने पे चाहे ए और बी इक्वल हो या डिफरेंट हो, दोनों ही केसेस में अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो इनका सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मॉड इंडिविजुअल वेक्टर के सब्ट्रैक्शन, इंडिविजुअल वेक्टर के मॉड के सब्ट्रैक्शन के इक्वल आएगा। और ग्रेटर कब आएगा, तो ग्रेटर अभी पैरेलोग्राम में हमने दिखाई था कि अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तब किसी भी एक साइड, ये तो एक साइड रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी वेक्टर, और ये दो अलग अलग साइड है, तो दो साइड का सब्ट्रैक्शन से हमेशा एक सिंगल साइड ग्रेटर आता है ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकली आप ये सारा एक्सप्रेशन प्रूफ कर सकते हैं, राइट। ये बहुत ही सिंपल था, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रूफ करने के लिए।